पॉलिसी लेके आना, जिस प्रकार एनसीएल ने पॉलिसी है, मध्य प्रदेश सिंगरौली की पॉलिसी है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड नामक पॉलिसी है, वहां क्या करती है, घर यदि बना है कोयला खदान के सामने तो सबसे पहले घर बनाती है 5 किलोमीटर दूर में विस्थापित एरिया बसा की। आप में हिम्मत है पूरे गोविंदपुरा को बसाइए, आप में हिम्मत है चंद्रपुरा को बसाइए, आप में हिम्मत है पटना को बसाइए। ये होता है इसी देश में होता है, ये कोई हवा हवा हवाई और प्रधानमंत्री की तरफ फेंक नहीं रहे हैं। आप मध्य प्रदेश घूम के आइए नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, आप महाराष्ट्र घूम के आइए वेस्टर्न कोल लिमिटेड WCL, आप महानदी तट पे घूम के आइए MCL महानदी कोल लिमिटेड। सब जगह पॉलिसी कि घर कोई दिक्कत नहीं, घर बोलेंगे हम देश के विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन बदले में घर देंगे, बदले में घर देंगे, ये पूरे देश में पॉलिसी। लेकिन जैसे ही झारखंड आता है पता नहीं बेमानों को क्या सोचता है, या लाठी मार के डंडा मार के, और नहीं तो यहाँ के थाना पर भारी दिन से मत लीजिए 353 लास्ट धारा है सेक्शन 353 एक धारा 353 क्योंकि हम लोग को बड़ी लगाया है लास्ट में 353 लगा देना इंडियन पेनल कोड। और सबसे मजा का बात इंडियन पेनल कोड का पहले फुल फॉर्म था आयरिश पेनल कोड, यानी आयरिश देश में अंग्रेज लोग कंट्रोल करने के लिए वहां के लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए नियम बनाया था आयरिश पेनल कोड। इन लोग एक बिंदु में बदलाव नहीं किया, जब आयरिश को इंडियन किया और सारा कानून इंडिया में वापस शिफ्ट कर दिया। बड़ा बाबू खैर आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको भी बताना चाहेंगे ये इंडियन पेनल कोड वास्तव में आयरिश पेनल कोड है। आयरिश यानी एक आयरलैंड नामक कंट्री है जो इंग्लैंड का पड़ोसी है, और आई थिंक शायद वो ब्रिटेन का पार्ट है, कंफर्म कीजिए। इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स और शायद आयरलैंड, ये चारों मिलकर ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बनती है। यानी आयरलैंड में अंग्रेज कब्जा करना कब्जा किया तो 78 कंट्री में किया, यानी अंग्रेज के लोग आयरलैंड को बताने के लिए कानून बनाए थे आयरिश पेनल कोड, उसी कानून को भारत में लाके इंप्लीमेंट किए इंडियन पेनल कोड, सारी धाराएं वैसी की वैसी। तो इसलिए 353 लगा दो, ये लोग मर जाएंगे, मर जाएंगे, जमीन ले लेंगे, यही आज तक झारखंड में हुआ है। इसलिए मैं आज झारखंड के तमाम लोगों से कहना चाहूंगा ये लड़ाई नौकरी की सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई माटी की है, अपनी माटी को बचाना होगा। क्योंकि याद रखिएगा कोई भी भाषा संस्कृति हवा पे स्थापित नहीं होती है, वो माटी पे स्थापित होती है, और आज जब हम खड़े हैं तो माटी के घर घर के चला। इसलिए स्पष्ट करना चाहिए अपनी जमीन को भी बचा के रखिएगा, यदि जमीन बेचनी है बिल गेट्स से ज्यादा दिमाग है क्या आपका, हालांकि पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है पढ़ने लिखने वाला दिमाग होता है, कहता तो हमको तो लगता है कंप्यूटर छेड़ छेड़ कहकर रख जाता है। बिल गेट्स से ज्यादा दिमाग है क्या, बिल गेट्स एक समय दुनिया का सबसे धनी आदमी था। फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, बिल गेट्स एक समय दुनिया के सबसे धनी आदमी थे, आज हैं क्यों नहीं है, क्या किसी ने छीन लिया, ये घाटा हुआ, जी नहीं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हिस्सा कुछ शेयर बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा है मेरे झारखंड में। 3 लाख एकड़ को 247 से भाग दीजिए, क्योंकि आप एकड़ नहीं समझेंगे, आप वर्ग किलोमीटर समझेंगे, 247 से भाग दीजिए, चले 247 को 300 में तब्दील करते हैं भाग देने के लिए, ऊपर में है 3 लाख एकड़, नीचे है 300, यानी 1000 वर्ग किलोमीटर, 1000 वर्ग किलोमीटर यानी ए रामगढ़ की रूपा दीदी रामगढ़ का क्षेत्रफल 1000 के आसपास, यानी एक जिला के बराबर बिल गेट्स ने जमीन खरीदा है। इसलिए जमीन की लड़ाई नहीं मत बोलिएगा पढ़ने वाले छात्रों, बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी ने माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन जो हमारे झारखंड के एक जिला के बराबर होता है उस जमीन को खरीदने का काम किया है। क्योंकि बिल गेट्स भी समझ गया है कोरोना के बाद कि व्यवसाय 100 साल नौकरी 30 साल 35 साल जमीन में तब तक रहेगा जब तक चांद और सूरज रहे।
बात भी आती कि मरना पड़ा मर जाओ, जीने के लिए कोई नहीं आया है, अब मार के मरो, अब मार के मरो। डीसी फुटानी करे तो डीसी से मंगवा लो, एसपी फुटानी करे एसपी से मंगवा लो, विधायक फुटानी करे विधायक से मंगवा लो, एक मरोगे तो इनको मार के करो। जमीन तुम्हारे बाप की है, उनके बाप की नहीं है। ये जमीन तुम्हारे बाप की है, याद रखना, जमीन का महत्व बिल गेट्स ने समझा। यदि हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो कटोरी पहुंच के रखना। अल्लाह के नाम में, भगवान के नाम में, वाहेगुरु के नाम में, रेलवे स्टेशन में कटोरी लेकर दे बाबा कर रहे हैं। क्या उनका जन्म दामोदर नदी से हुआ है? एक नर नारी के माध्यम से हुआ। उनका भी खेत होगा, उनका भी खलिहान होगा, उनका भी गांव होगा, हाँ कि ना? आज कुछ नहीं बचा है, इसीलिए कटोरी लेके दे रहा। इसलिए हमें सांसद चाहिए जो हमारी जमीनों को वहां कानून बना कर जा सके, क्योंकि जमीन का कानून होता है वहां पर अनुसूची नौ में। जमीन का कानून होता है अनुसूची नौ में, अनुसूची नौ संसद का विषय है। संसद में उसी को भेजिए जो अनुसूची नौ को जाना है। अरे इन लोगों को इतना नहीं मालूम है कि अनुसूची है पहले की अनुसूची में क्या है, राज सूची केंद्र सूची संवर्ती सूची नहीं मालूम है उनको। खराब संसद बना के भेज रहे हैं, नारा बना के भेज रहे हैं। इसलिए जमीन की लड़ाई वही लड़ सकता है जो अनुसूची नौ को समझता हो। इसीलिए अनुसूची नौ को समझने वालों को एमपी बना के भेजिए पहला प्रयास, और दिल्ली को बताइए, दुनिया को बताइए कि झारखंड में किस प्रकार का लूट है। चलिए हम मोदी जी को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा बीजेपी वालों को राहत देते हैं, बीजेपी के थोड़ा भूसा वाले हैं उनको राहत देते हैं, थोड़ा सा निवेदन होगा, थोड़ा सा भूसा को बाहर करके गरीब बच्चा का कसूर लीजिए थोड़ा दिमाग। अब बात करते हैं राज्य की, झारखंड राज्य खनिज से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ। यदि खनिज नहीं तो दुनिया की नजर यहाँ नहीं आती। 40% खनिज से भरा हुआ झारखंड राज्य। सबसे पहले 1912 में मुंह से बोला झारखंड लेंगे, 1928 में कागज में लिख के बोला झारखंड लेंगे साधन कमीशन के टाइम, और फाइनली भर दिया वापस मुंडा। सन 2015 नवंबर की जयंती के दिन बिहार के उत्तर के हिस्से को काट कर उत्तर हिमाचल